जी नमस्कार। अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा की ओर से अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को भी झटका लगने जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विरोधी धड़े पर भारी पड़ गई हैं। सतीश पूनिया 2023 तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। पीएम मोदी से 1.5 घंटा उन्होंने 1.25 घंटा लगभग बातचीत की और विरोधियों पर भारी पड़े हैं सतीश पूनिया, वो अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, पूनिया का 2 वर्ष का कार्यकाल सितंबर में पूरा होने वाला था, लेकिन उनको अब कार्यभार दे दिया है 2023 चुनाव तक। एक और माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट हैं जो उसके तौर पर, और सतीश पूनिया दोनों ही एक विरोधी गुट मान सकते हैं, यानी दोनों में खींचातान रहती है भाजपा में, 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं सतीश पूनिया ने एक बयान भी दिया था कि 70 साल के नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और मेरे नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होना चाहिए, जिसके बाद से वो वसुंधरा के समर्थकों के निशाने पर भी थे। अब क्या समीकरण रहेंगे, राजस्थान में चुनाव होने हैं 2023 में, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भी सतीश पूनिया का नेतृत्व होगा? वहीं अध्यक्ष पद इनको दे दिया गया है दोबारा से, आगे इनका कार्यकाल रहेगा 2023 तक। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया होंगे राजस्थान में। ये बड़ा अपडेट है।